वेलकम बैक टू माई चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे WTO का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस। देखिए, WTO ने, आप लोगों को पता है, WTO की अगर हम बात करें तो WTO में अंडर द जनरल काउंसिल हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन बॉडीज है। नंबर वन इज द गुड्स काउंसिल, नंबर टू इज द सर्विसेज काउंसिल एंड नंबर थ्री इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। एंड नंबर थ्री इज द आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। अब यहां पे जब हम एवर ग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि WTO क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्रेड इन गुड्स को, ट्रेड इन सर्विसेज को एंड ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज पेटेंट। यहाँ पे पेटेंट किसके ऊपर दिया जाता है, कोई नई इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, R&D की जब हम बात करते हैं, वहां पे WTO कहता है कि 20 साल के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके लिए WTO क्या ग्रांट करता है, WTO ग्रांट करता है पेटेंट। जब WTO ने पेटेंट ग्रांट किया, इट इज फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल का पेटेंट देने का मतलब क्या है कि 20 साल तक जिस बंदे ने या जिस कंपनी के पास वो पेटेंट है उस टेक्नोलॉजी के लिए, तो वही कंपनी क्या करेगी, इस चीज को प्रोडक्शन करेगी, इस चीज को सेल कर सकती है फॉर 20 ईयर्स। बट 20 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाता है टेक्निकली। और पेटेंट खत्म होने का मतलब क्या है कि हर बंदा कोई भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अब यहाँ पे एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के अंदर बात क्या की जाती है कि ये जो पेटेंट 20 साल के लिए दिया गया था, ये पेटेंट क्या होता है, ये एक्सटेंड होता जाता है। ठीक है, जो कंपनी है जिसको ये पेटेंट मिला था, वो क्या करेगी, वो कोशिश करती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट हमारे पास ही रहे, ये पेटेंट किसी और के पास ना जाए। या कहने का मतलब है कि वो कंपनी क्या करेगी, वो चाहती है कि इसकी मोनोपली हमारे पास ही रहे, हम ही सिर्फ इसके सोल प्रोड्यूसर्स रहे या सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे या सोल सेलर्स रहे, व्हाटएवर मे बी द केस। तो यहाँ पे वो क्या करती है, वो अल्टीमेटली इसको एक्सटेंड करती जाती है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इसी एक्सटेंशन ऑफ पेटेंट को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, इट इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस इन पेटेंट लॉ। क्योंकि हम लोग जो एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस की बात करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रिगार्डिंग, वो किसके साथ कंसर्न रहता है, इट इज विद द पेटेंट लॉ। तो यहाँ पे प्लीज रीड इट, इन पेटेंट लॉ एवरग्रीनिंग रेफर्स टू स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय, कौन यूज करता है, पेटेंट होल्डर्स टू एक्सटेंड द इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ देयर पेटेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आता है कि कब ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है, कब पेटेंट के लिए अप्लाई किया जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के लिए। ठीक है, तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के लिए क्या किया जाता है, कभी कभार जो ये कंपनी है जिसको 20 साल के लिए तो पेटेंट मिला था, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट में कोई माइनर सी मॉडिफिकेशन लाती है, और अब वो क्या कहती है, अब उस माइनर मॉडिफिकेशन के साथ वो क्या करती है, पेटेंट अप्लाई करती है। तो 20 साल के बाद ये माइनर मॉडिफिकेशन की बात आई, एक्चुअल प्रोडक्ट तो 20 साल तक मिला उसको पेटेंट, बट 20 साल के बाद उसने क्या किया, माइनर मॉडिफिकेशन किया और बोला कि हमें क्या करना है, हमें न्यू पेटेंट दीजिए फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्चुअल में नया प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ओल्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा था 20 साल पहले, जिसपे उसको पेटेंट मिला हुआ है। बट अब 20 साल के बाद जब पेटेंट खत्म होने का टाइम आया, उन्होंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमने ये माइनर सी मॉडिफिकेशन की, और वहां पे बेस्ड ऑन दोज माइनर मॉडिफिकेशन अब वो कंपनी क्या कर रही है, दैट अप्लाइज फॉर न्यू पेटेंट। तो पहला पॉइंट यही आता है कि एवरग्रीनिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फाइलिंग ऑफ न्यू पेटेंट फॉर माइनर मॉडिफिकेशन। नंबर टू, कभी कभार ये कंपनी क्या करती है, अब लीगल अवेन्यूज ले आएगी कि इस बेसिस पे हमारे पास ही पेटेंट मिलना चाहिए, और वो बेस्ड ऑन दोज लीगल अवेन्यूज वो क्या करती है, पेटेंट राइट के लिए फिर से अप्लाई करती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर पेटेंट। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं, सीकिंग एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग पेटेंट थ्रू लीगल अवेन्यूज। नंबर थ्री, लॉबिंग फॉर चेंजेस इन पेटेंट लॉ दैट बेनिफिट देयर इंटरेस्ट।
क्लियर। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंसेज। क्लियर, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।